नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। रामलला के दर्शन कैसे जाएं करने? अंधेश्वर शिक्षकों ने कहा अभी तक दिसंबर माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। शीतलहर के चलते प्रदेश के समस्त विद्यालय 22 तक रहेंगे बंद, 23 को खुलेंगे विद्यालय। श्री राम में आस्था रखने वाले अंधेश्वर शिक्षा मित्रों ने कहा हम भी जाना चाहते हैं अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन नहीं मिला है अब तक दिसंबर माह का मानदेय। कैसे जाएं रामलला के दर्शन करने? एक बड़ा सवाल। अंधेश्वर द्वितीय चरण ट्रांसफर अब तक शुरू नहीं हो पाया है। द्वितीय चरण ट्रांसफर लेने वाले अंधेश्वर लगातार इंतजार में परेशान क्यों नहीं हो पा रहा है अब तक द्वितीय चरण अंधेश्वर ट्रांसफर? अंधेश्वर शिक्षक शिक्षा मित्रों से संबंधित एक बड़ा समाचार, बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। अब तक दिसंबर माह का मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया है। आपको बताना चाहेंगे दिसंबर माह की ग्रांट अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसके चलते अंधेश्वर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बताना ज़रूरी है 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक का मानदेय नहीं प्राप्त होगा अंधेश्वर और शिक्षा मित्रों को। ऐसे में कैसे गुजारा होगा उनका इस महंगाई में, इसको लेकर अंधेश्वर शिक्षा मित्र लगातार परेशान है। 23 को खुल पाएंगे विद्यालय। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश हेतु कल नवोदय विद्यालय परीक्षा आयोजित कर रहा है। ये परीक्षा सुबह 11:30 से 1:30 बजे के बीच होगी। बच्चों को 10:30 तक परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंचना है। पूरे देश में एक बड़ा समाचार आ रहा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे कोचिंग। नई दिल्ली से समाचार है, शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए। अब एक बुरी खबर है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये थी खास खबरें, आप देख रहे थे अंधेश्वर न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ अंधेश्वर न्यूज़ पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें। आपके संघर्ष का साथी अंधेश्वर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।